हम आए हैं बागों के उस खड्ड में जहाँ से ठोक ये संधू के लिए पानी जाता है, संधू और संधू के क्षेत्रों के लिए। देखो आप पानी की कोई कमी नजर आ रही है आपको? नहीं। अंदर मोटर इस वक्त ऑन है और ये आपका टैंक है जहाँ से ये पानी यहाँ से जाता है। इस खड्ड में आना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि संधू प्यासा है पिछले 1.5 महीने से और उससे भी पिछले 1.5 महीने से। यहाँ पे जो हमारे जेई साहब या लाइनमैन पानी देते हैं वो लगभग ऐसा देते हैं जैसे खैरात बांट रहे हो या एहसान कर रहे हो। तो आप खुद देखिए कि पानी की कोई कमी नजर आ रही है? कोई कमी नहीं आ रही। देखो बागों के खड्ड पे पहुंचे हैं हम और यहाँ IPH का पंप हाउस है और ये पानी पीछे से कनेक्ट होकर पाइपों से इस टैंक में जाता है जो सामने खड़ा है। अभी भी ये टैंक भरे जा रहा है, थोड़ी देर में हम उसके नजदीक जाएंगे, पहले हम इस साइड को दिखाते हैं। चलो अब हम इधर से ऊपर को चलते हैं। अब आप देखेंगे ये पानी उस टैंक से इधर को आता है मगर ये वो फिल्टर है जो कभी चले नहीं, ठीक है? ये है जी आपके फिल्टर। बिना फिल्टर हुए पानी लोगों को संधू भेजा जाता है और यहाँ कोई नहीं। अब प्रदीप सूद जी, आप प्रधान वाइस प्रधान हैं संधू के, कभी आए हैं आप? विजिट किया आपने यहाँ? नहीं किया तो आज देखो, क्योंकि 2 दिन पहले आप जिस लड़के ने हमें एक बात कही कि यार पानी नहीं आता हमारे, उसके घर पे शाम को जरकाने चले गए साथ में जेई और लाइनमैन को लेके कि लिख कि पानी आ रहा है, यही बात हुई ना? तो ऐसा है प्रधानों, अपने फर्ज अदा किया करो। कभी यहाँ आयो तुम, बिना फिल्टर हुए बागों से पानी जाता है, ठीक है? नाले में कोई कमी नहीं है, ये हाउस है, अंदर मशीनें चल रही है, मोटर चल रही है, कोई खराब नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इस टैंक के हालात हम नज़दीक जाके भी दिखाएंगे मगर बात सारी है कि ये फिल्टर्स के बिना फिल्टर हुए हुए पानी संधू को जाता है। अब XCN साहब और हमारे MLA ठियोग, आप भी ये वीडियो देखिए क्योंकि जब हमने शिकायत आपको की है तो आपको ये देखना है कि ग्राउंड लेवल पे क्या है। एक तो MLA साहब और XCN साहब, ये फिल्टर ठीक होने चाहिए, पानी फिल्टर होकर जाना चाहिए लोगों को। डायरेक्ट इस टाइम पानी जो जा रहा है वो डायरेक्ट नाले से जा रहा है सीधा आपके घरों में, जब भी आपको 1-1.5 महीने बाद पानी आता है वो डायरेक्ट नल को जाता है। अब लाइनमैन और JU की ये कंडीशन है कि इतना पानी होते हुए भी आपको हर तीसरे चौथे दिन पानी नहीं दे सकते। और यहाँ देखें ना आप कैसे ब्रेकेज हुई भी है, पाइपें फिल्टर, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कभी कि फिल्टर की ओर ध्यान दिया जाए। ये है भाई IPH डिपार्टमेंट, पहले हमने एक बार चिखड़ में भी ऐसी रेड पाई थी, आज हम यहाँ रेड पा रहे हैं। तो बात सारी ये है कि बिना फिल्टर के लोगों को पानी देना गुनाह है, गंद पिला रहे हो आप, ठीक है? दूसरी चीज, इतना पानी होते हुए आप पानी नहीं दे रहे लोगों को, ये बेहद अफसोसजनक है, ठीक है? अब हम देखें, अब हम पाली साइड को चलेंगे। अब ये देखेंगे ना, यहाँ पाइपें टूट गई, कोई रिपेयर नहीं कर रहा कि पानी पार उस टैंक से इधर फिल्टर में आए और फिल्टर से फिर लोगों को ऊपर संधू की ओर मिले। पूरा संधू, बागो का एरिया, निचला संधू, ये बिछड़ी वाली लाइन, ये सब प्यासे हैं लोग, ये अपने अपने जो सोर्सेज है ना उनसे काम चला रहे हैं। तो अब चलते हैं पार को, ठीक है? अब इतना पानी होते हुए अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो ये तो बेहद शर्म की बात है। बागों के नाले में आज हम आए हैं और आप देख रहे हैं कि कितना पानी है, देखें आप। और इस जगह से संधू का जो सारा एरिया है वो कवर होता है। इतना पानी होते हुए भी आपको पानी नहीं मिलता और ये नाला 12 महीने का है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सूख जाता है, फिर भी आपको IPH डिपार्टमेंट तंग कर रहा है, ये बेहद अफसोसजनक है। अब आपको दिखाएं कि यहाँ पे पानी का जो उठान है वो इन नालों से इस टैंक में आता है, इस टैंक में पानी जाता है। और जैसे अभी भरा जा रहा है, ये देखिए आप कितना पानी आ रहा है टैंक में, ठीक है? टैंक में भरा जा रहा है। साथ ही हम आपको दिखाते हैं, अभी टैंक दिखाएंगे मगर आपको बताएं, ये पानी इस टैंक से पार फिल्टर्स को जाता है, पार जो बने हुए फिल्टर्स हैं
वो काम नहीं करते हैं। बिना फिल्टर हुए हुए डायरेक्ट संदू के एरिया में ये पानी चला जाता है। पहली बात, पानी डेढ़ डेढ़ महीने दो दो महीने संदू वालों को मिलता नहीं है। जितने भी संदू वाले हैं उनकी यही शिकायत है हर बार कि पानी हमें मिलता नहीं है। इतना पानी होते हुए अभी भी हमने, जब हम लोगों को मिले तो उन्होंने यही कहा कि डेढ़ डेढ़ महीने पानी नहीं है, मगर यहाँ पानी थोक में है। अब जो जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन हैं वो ऊपर लोगों को जाकर डराते हैं, जो संधु का प्रधान वाइस प्रधान है वो भी लोगों को डराता है कि लिखो साइन करो कि यहाँ पानी है। क्यों प्रधान जी, आपके घर में पानी जाता होगा, आपको जेई देता होगा, आम आदमी को नहीं दे रहा, इसलिए शायद आप उसकी भाषा बोल रहे हैं। कभी आप यहाँ आए, कभी आपने इंस्पेक्ट किया, इसी तरह देखो आप ये हाउस बनाया हुआ है, थोड़ी स्थिति खराब है। आईपीएच विभाग के एक्सियन आपको देखना है, ये मोटर चली हुई है, ये मोटर खराब पड़ी है, इस मोटर को एक्सियन साहब ठीक कराइए, और ये जो चल रही मोटर है ये चलती रहनी चाहिए, और लोगों के घर तीसरे दिन पानी होना चाहिए। पूरा इक्विपमेंट है यहाँ, साथ ही आप देखेंगे ये जो पानी है टैंकों में भरा जा रहा है आपके सामने है। अब आप स्थिति देखेंगे, यहाँ टैंकों में पूरा पानी जा रहा है, हम आपको अभी दिखाते हैं। इतना पानी होते हुए आपको पानी ना मिले, हद है यार संधू वालों। ये देखो कितना पानी भर रहा है, ये देखो आप, इतना पानी होते हुए संदू में पानी नहीं है। रही बात टैंकों की, उनकी कंडीशन तो बहुत खराब है, पता नहीं जेई साहब साफ करवाते हैं नहीं, ठीक है। अब इतना पानी आ रहा है, जब इतना पानी आ रहा है तो पानी क्यों नहीं है? इस हाउस को एक्सियन साहब रिपेयर कराइए, शीशे टूट चुके हैं, यहाँ देखिए आप, ये देखें आप, ठीक है। और एमएलए साहब आप भी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि पानी होते हुए भी अगर लोगों को डेढ़ डेढ़ महीने इंतजार करना पड़ जाए पानी का, तो ये बड़ी सोचने वाला विषय है। आज हम इस पॉइंट पे इसलिए आए, अब हम यहाँ से ऊपर जाते हुए देखेंगे, ये जो पार फिल्टर्स है ना ये काम नहीं करते। क्या संधु का प्रधान कभी यहाँ आया, वाइस प्रधान कभी आया, कोई भी प्रधान रहा हो जिसने कभी ये देखा हो कि साफ सुथरा पानी लोगों को मिले, इन फिल्टर से होते हुए पानी जाए? नहीं, डायरेक्ट नाले से आपको पानी दिया जाता है जो संदू के टैंक में भरता है, उससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये है आपकी स्कीम, पानी की कोई कमी नहीं हमने दिखा दिया, कमी सिर्फ ये है कि जो मुलाजिम काम कर रहे हैं जेई साहब और जितने भी हमारे जो हमारे लाइनमैन हैं, देखो होश में आओ, लोगों को पानी दो, बेवकूफ ना बनाओ। आज के बाद संधू वाले बेवकूफ इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि उन्होंने कभी ये बागों का नाला नहीं देखा था, आज हमने आपको दिखा दिया। अब आप जिसे कहते हैं इन फिल्टर्स को एक्सियन मतियाना आप ठीक करवाइए, और एमएलए साहब आज आप भी देखिए, और यहाँ ये फिल्टर्ड वाटर लोगों को दीजिए, यहाँ से पानी पार फिल्टर्स में जाता है जिसकी पाइप्स टूटी हुई है, फिल्टर खाली है, पुराने पड़ चुके हैं और कभी यूज नहीं किए, और संधू वालों ने भी कभी मुंह नहीं खोला। तो बात सारी ये है, तो इसलिए ये है बागों का पंप हाउस, पानी की कोई कमी नहीं मगर लोगों को पानी नहीं दिया जाता।